राफेल सौदे में घोटाले को लेकर मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन अब यूक्रेन के साथ रक्षा सौदे में घूसखोरी के मामले ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस मामले में रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों पर कथित तौर पर घूस लेने का आरोप लगा है। इन सब का खुलासा यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल यूक्रेन की सरकारी कंपनी स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट्स और भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच 26 नवंबर 2014 को एक समझौता हुआ था। इसके तहत यूक्रेन की कंपनी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को AN-32 विमानों के स्पेयर्स की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन यूक्रेन के नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो की माने तो सौदे के 11 महीने बाद स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट्स ने एक अनजान सी कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग SP लिमिटेड से एक करार किया ताकि भारतीय रक्षा मंत्रालय से किए गए सौदे को लागू किया जा सके। यूक्रेन की जांच एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की कंपनी ने ग्लोबल मार्केटिंग के UAE में खोले गए एक खाते में $2.6 मिलियन की रकम ट्रांसफर की। नैब को शक है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को घूस देकर ही ये डील आगे बढ़ाई गई। इस मामले में नैब ने यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के राजदूत के जरिए गृह मंत्रालय से मदद मांगी थी। इस मामले में नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी नैब फिलहाल ये पता लगाने में जुटा है आखिर भारत और स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट्स के बीच हुई डील को लागू किए जाने में ग्लोबल मार्केटिंग की कोई भूमिका थी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों पर लाखों डॉलर की घूस लेने का आरोप है। मोदी जी, आप खुद को चौकीदार बताते हैं, मेरी अपील है कि आप अपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को गंभीर बताया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार गोपनीयता कानून के सहारे हर बात छिपाने में जुटी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि करार की शर्तें पूरा न होने के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने सौदे को आगे क्यों बढ़ाया। DV लाइव की रिपोर्ट।